28 मार्च 2023 को लगभग 3 बजे बिजली की तार से चिंगारी निकलने से खेत में आग लगने से 5 बीघे की फसल जलकर खाक हो गई है। अब किसान का रो रो के बुरा हाल है। किसान का कहना है कि 5 बीघे की फसल जल जाने से साल गुजारा कैसे करेंगे। कैसे सकता है आपके खेत में आग लगी है? और सर वहाँ से बत्ती के उतार निकले खेत से, तो वहीं से एकदम से भराक भर हुआ और चिंगारी थी। वहाँ जो लेबर थी वहाँ दूसरे के खेत में काट रहे थे, उन्होंने देखा तो भागे और चिल्लाए, और पास में एक बोर था तो भागे बुझाने लगे। फिर यहाँ घर में संदेश आया, हम घर से का वहाँ से काट के हम आ गए थे खेत से। काटने के बाद आ गए थे वो 11 बजे के लगभग। ये आग लगी थी लगभग वो 12 के आसपास था, 12 वो माने 12:30 हो, इसमें आग लगी। कितनी बीघे की फसल थी? 5 बीघे। क्या बोया था उसमें? गेहूँ और लाही थी। बस खेत के अलावा और कुछ काम कर नहीं? खेत के अलावा कुछ काम नहीं है हमारे पास, इसी का निर्भर रहते हैं। हाँ, इसी में हम। आप क्या चाहते हैं? और बस यही चाहते हैं कि हमारे साल भर के पेट के लिए मान ली हमें उतना मिलना चाहिए। ये 25-30 हजार जो हमने अपने लगाया है पैसा, जोताई से, बवाई से, खाद से, बीजा से, वो हमारी ये लागत है पूरे खेत की। और जो उत्पादक है मेरा, जो 8 एक बीघे में 8 कुंटल या 10 कुंटल होता है मेरा, और उसमें लाही भी है, 1-2 कुंटल लाही भी हो जाती है, तो ये मेरी उत्पादक है। और वही मेरे खेत था, वही गेहूं बोया हुआ था, बकाये में चना मसूर और मटर था। लेखपाल आए थे? लेखपाल आए, हाँ लेखपाल आए। मोहना किया लेखपाल? मोहना किया, नौकरी में मोहना किया। तत्काल आ गए थे क्या? नहीं, शाम को हुआ है, 5:30 बजे आए। अब ये है कि मेरा मुआवजा मिल जाए तो मेरा जो ये फसल जल गई है तो मैं अपने परिवार को भरण पोषण कर सकूँ। गए थे वहाँ मौके में जांच कराए थे जी, लेकिन अब हाँ, लेकिन अभी वो प्रपत्र भर करके जो देते हैं वो नहीं दिए हैं जी, उसी को तैयार कर रहा हूँ, तैयार करके कुछ देर बाद बता रहे हैं। अच्छा, नुकसान क्या है? 2 काश्तकारों का नुकसान हुआ है। हाँ, इसका कितने बीघे का नुकसान हुआ? 4 बीघा। 4 बीघा। और रिपोर्ट में कितने तक का नुकसान दिखाया गया है? 86,240 रुपए। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।